नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। नगर पंचायत के कई वार्डों में जल निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण भरा पानी। सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत में जल जमाव से नगर वासियों का बुरा हाल है। पूरे नगर पंचायत के आधा दर्जन वार्ड में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। कस्बे की दुकानों में भी पानी भरने से दुकानदारों को लाखों की क्षति हो चुकी है। सड़कों और चौराहे पर जगह जगह कूड़े का ढेर मौजूद है। नगर पंचायत की दुर्व्यवस्था पर नगर पंचायत के ईओ का कहना है कि यह स्थिति बाढ़ की वजह से है। राप्ती नदी का पानी जब घटेगा तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। डुमरियागंज नगर पंचायत का यह हाल जिम्मेदारों की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। इस नगर पंचायत के आजाद नगर, कृष्णा नगर, गांधी नगर सहित आधा दर्जन मोहल्लों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से सड़कों और कुछ घरों में पानी भर गया है। मुख्य चौराहों पर पानी इतना ज्यादा है कि कई दुकानों में भी पानी घुस गया है। दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। व्यापारी अपने इस नुकसान से परेशान है और शासन से मदद की आस लगाए हैं। हालात ये है कि स्थानीय लोगों को छोटी बड़ी हर जरूरत के लिए सड़कों पर बह रहे गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। लोगों को जल भराव के अलावा जगह जगह कूड़े के ढेर ने भी परेशान कर रखा है। पानी ने बह रहा कूड़ा और उसकी बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के जिम्मेदारों को जल्द इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करना चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम शफीक अहमद है। मैं डुमरियन वार्ड नंबर 10 महाराजा अग्रसेन नगर डुमरियन नगर पंचायत का निवासी हूँ। ये प्रॉब्लम यह है सर, यहाँ आए दिन बाढ़ और इसी वजह से पानी जल मतलब भराव बहुत ज़्यादा होता रहता है और यहाँ के आए दिन यही समस्या होती है। जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है, कोई निकासी नहीं होता है यहाँ पे। और हर तरह से मैंने कई बार जाके नगर पंचायत में मैंने कंप्लेन की तो उसका भी कोई सुनवाई जल्दी हो नहीं रहा है। लोग आते ही नहीं है, देखते भी नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इसकी साफ़ सफाई भी नहीं करवाते हैं और आए दिन इसमें पानी भरता ही जाता है और इस समय मतलब पैर से ऊपर का पानी हो गया है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं डुमरियागंज से। क्या समस्या है आपको? भैया, यहाँ पानी की समस्या है कि पानी यहाँ से निकासी व्यवस्था सही नहीं है। न रोड सही है, न नाली सही है। ये जो पुलिया बनी है इतनी पतली पुलिया कि सब कचरा इसमें आके जम जाता है। कोई साफ करने वाला नहीं है, न कोई देख रेख करने वाला है। और सब लोग आते हैं बस ऐसे देख के चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है कैसे कहाँ यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। और इधर जो ये नाली वाली जो व्यवस्था है यहाँ से लेके पूरा जो स्कूल है गुरु नानक वहाँ तक ये समस्या है। और सारा पानी इधर से ही निकल रहा है, इधर जो है खाल भी है और सब पानी इधर आके जमा हो जा रहा है। अच्छा, इसको लेकर शिकायत की आप लोगों ने कही? भाई, SDM के पास शिकायत किए थे, BDO के यहाँ शिकायत किए थे, कई लोग आए इंटरव्यू भी लेके गए, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं भाई यहाँ जो सुविधा बहुत अच्छी हो जाए, पानी की निकासी व्यवस्था हो जाए, रोड बन जाए बस। अच्छा, नगर पंचायत का कोई कर्मचारी अभी तक? कोई अभी तक नहीं आया भाई। अगर आता तो नाली जाम क्यों रहती है? अब तक साफ हो जानी चाहिए ना। 3 दिन से यह पानी भरा है, ये आज नई समस्या नहीं है, ये हर साल समस्या रहती है। नगर पंचायत डुमरियागंज के जल जमाव और आम लोगों को हो रही दिक्कतों के बारे में ईओ शिव कुमार कहते हैं कि नगर पंचायत के करीब आधा दर्जन वार्ड में जल जमाव है जो कि बाढ़ की वजह से है। राप्ती नदी का पानी रिवर्स होकर के वार्डों में आ रहा है। जैसे ही नदी का जल स्तर घटेगा स्थिति सामान्य हो जाएगी। सड़कों पर कूड़ा और दुकानदारों के नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि आपदा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सर, देखा जा रहा है नगर पंचायत में जगह जगह गंदगी है, जल जमाव की समस्या है, क्या कहेंगे आप? नगर पंचायत में जैसे अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आया हुआ है, हमारे टाउन में भी लगभग 4-5 वार्ड बाढ़ की चपेट में है और यहाँ का पानी खीरा मंडी के बंधे के रास्ते नदी में गिरता है। जो 2 साइफन लगा हुआ है तो उस साइफन से नदी का पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी रिवर्स आ रहा है हमारे टाउन में। जैसे ही नदी का पानी कम होगा तो हमारे टाउन का जो 3-4 वार्ड पानी से घिरा हुआ है वह वापस पानी चला जाएगा और जो जल जमाव की समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ पर साफ़ सफाई की बात है तो हमारे सारे सफाई कर्मचारी रूटीन काम कर रहे हैं। मुख्य सड़कों पर मैं सुबह घूम करके डेली देखता हूँ, पूरी साफ़ सफाई है। और यह चूँकि दैवीय आपदा है, बाढ़ आपदा है,
मैं अपने टाउन की जनता के साथ। देखा जा रहा है सर, कई लोगों का आरोप है टाउन के दुकानदारों का, उनके दुकान में पानी घुस जाने से लाखों का नुकसान हो गया है। प्राकृतिक आपदा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ की जनता के साथ हूँ।